अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें? अखिल भारतीय संत मत सत्संग की तरीकत मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूरत, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। मूर्ति किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए कि भगवान का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है उसको चुने। उसके बाद किस नाम से आप उनको याद करेंगे उसको भी चुने। मंत्र, तो क्या हुआ, दो चीज आपने चुनी, एक अपना इष्ट देव और एक मंत्र। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन पर बैठे हैं। बड़े प्यार से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाए, बड़े आराम से बैठिए और बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। सशरीर भावना से अपने इष्ट को अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, ख्याल से भाई थॉट उसमें इतने लीन हो जाए कि जब तक आप ध्यान करते हैं तब तक और कोई विचार और ख्याल ना आए, पर आएगा। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं, फिर हटाइए अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुनिए कि हमारे हृदय से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से अपने इष्ट का नाम विद फुल फोर्स जिह्वा से ले सकते हैं। इतना फोर्स उस नाम में होना चाहिए। ध्यान करें, बड़े आराम से बैठिए, बड़े प्यार से। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारे हर दिल की धड़कन पर जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए और आनंदित हुए। बड़े प्यार से इस काम को करना है। जब भी कोई सांसारिक बात आपके ध्यान में आए, दिमाग में आए, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगे
फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की याद में लगिए। अगर आज ध्यान करते हुए आपके 100 विचार एक मिनट के अंदर आते हैं, तो निश्चित समझिए अगर ये अभ्यास आप बराबर करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई विचार आपके आगे नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने साधक की दृष्टि से गीता में 4 बात बताई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा विराम। अभ्यास, अभ्यास पर बहुत भारी जोर है और सारी जिंदगी हम एक चीज का अभ्यास करते चले जाते हैं और उसकी परफेक्टनेस पर देखते चले जाते हैं। बड़े प्यार से अगर इस तरीके से अभ्यास करेंगे, बड़ी सुंदर स्थिति होगी जब भी आप अपने इष्ट देव के चरणों में विश्राम चाहेंगे, बड़े प्यार से विश्राम मिलेगा, ना कोई दूसरा विचार रहेगा ना ख्याल, और हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, वो बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब विचार हट जाए अपने इष्ट देव के चरणों में, फिर दोबारा उस चीज को पकड़े, अपने इष्ट देव को दोबारा अपने इष्ट देव में ध्यान लगाइए। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। जन्म जन्म तक रंग न उतरे ऐसी रंग दे श्याम चुनरिया, श्याम चुनरिया। जन्म जन्म तक रंग न उतरे, रंग न जिस पर चढ़े दूसरा, और न जो फीका पड़ जाए उसी प्यार के रंग में रंग दे। जो दिन दिन दूना गहराए, जिसके रहते ढले न यौवन भार न हो, कभी उमरिया। जन्म जन्म तक रंग न उतरे, हर दर्पण तेरा मुख देखे, हर मुख में तेरी ही छाया, सांसों में वो सिस की भर दे। निस दिन प्राण रहे अकुलाया, नींद नाए जन्म जन्म तक ऐसा आंजन, आंज दे अखियां। जन्म जन्म तक रंग न उतरे, आज वही धुन छेड़ मधुरतम,
जाग उठे यादों का मधुवन, ब्रह्मनाद में ऐसा डूबू टूट जाए माटी के बंधन, सुध न रहे मेरे तन मन की ऐसी आज बजारे बांसुरियां, जन्म जन्म तक रंग न उतरे ऐसी रंग दे शाम चुनरिया, शाम चुनरिया जन्म जन्म तक रंग रात रे। परमात्मा तू ही है।
रहेगा, क्या नहीं, ये सत्य निष्काम कर्म है, ख्याल तक नहीं होते। और हमने इसका अभ्यास निष्काम कर्म का पहले स्टेप से शुरू किया, जब हम रात को सोते सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, क्या करते हैं कि जो अच्छे काम सोचते अपनी आत्मा से पूछते हैं कि आज कोई अच्छा काम हमसे बना जिससे दूसरों की आत्मा को सुख और शांति पहुंची, अगर कोई बना है तो उसे भगवान कृपा कर देते हैं, प्रभु आपने किया मैंने, ओ लॉर्ड यू क्रिएटेड सर्कमस्टांसेस, प्रभु आपने अवसर दिया ये अच्छा काम हो गया, वरना इसमें कहां शक्ति है किससे कोई अच्छा काम बने, भगवान कृपा कर। और बुराइयों को हम दूर करना शुरू कर देते, एक एक छोटी छोटी पकड़ के दूर करते चले जाते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये बुराइयां दूर हो, पीछे एक एक छोटी पकड़ते हैं, एक एक करके दूर करते चले जाते हैं। और जब 24 घंटे के ध्यान पर पहुंचते हैं तो हृदय मलिनता, हृदय की सारी मलिनता दूर हो जाती है, मलिनता रहती नहीं है, जहां प्रभु का वास सच्चा है वहां मलिनता नहीं, बुराई रहती नहीं, हमारी सारी बुराइयां छूट जाती है, लुप्त हो जाती है, एक भी बाकी नहीं रहती, और अच्छाइयां सब भगवान के अर्पण हो जाती है, तो कुछ करता नहीं, जो कर रहा है तो प्रभु कर रहा है, ये बात है। जो सच्चा ऊंचा संत है उसका कदम कभी गलत नहीं पड़ता, गलत मत समझिए, लोहे की जमीन सोने की जमीन गलत मत समझिए, ये तो बड़े चक्कर में पड़ जाएंगे, बहुत बारीकी है, उसका गलत पैर पड़ता नहीं, उसमें बुराई रहती नहीं, जिसे 24 घंटे प्रभु की याद है, और जितनी अच्छाइयां हो भगवान करता हो जाती, उससे अच्छा कभी कुछ होता, सपने में भी ख्याल नहीं होता कि उससे कोई अच्छाई संसार की हो रही है, उससे कोई सेवा बन रही है, सपने में भी ख्याल नहीं होता, जो करता है ईश्वर करता है, परमात्मा करता, उसका मालिक करता है, वो कुछ नहीं करता। कबीर साहब ने संत महात्माओं योगी और यतियों के लिए एक बहुत सुंदर बात कही, ही वॉज ए वेरी ग्रेट सेंट, और मैं उनका नाम इसलिए लेता हूं कि कुछ उन्हें मुसलमान कहते हैं, कुछ हिंदू कहते हैं, हिंदू में तो भक्तमाल अगर आप पढ़े तो ऐसे हजारों संतों की गाथाएं हैं जो आंसू आपके निकल निकल के रह जाए, भक्तमाल पढ़िए, मैं संतों की गाथाएं आंसू बह बह के रह जाए, कबीर साहब का नाम मैं इसलिए लेता हूं, मुसलमान उन्हें मुसलमान कहते हैं, हिंदू हिंदू कहते हैं, ऐसा व्यक्ति इसलिए मैंने छाटा। कबीर साहब ने कहा है संतों योगियों यतियों के लिए, क्या कहा है कि नाहक मूल गवाइया जो आप बना करता है, और उससे संसारी भला जो सदा रहे डरता, नाहक मूल गवाइया जो आप बना करता, बड़े भारी योगी हैं, यति हैं, बड़ी तपस्याएं आपने की हैं, अगाध तपस्या के बाद रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की हैं, और अगर उन रिद्धि सिद्धियों के द्वारा आप संसार की सेवा कर रहे हैं, खुद ये समझते हैं कि आप कर रहे हैं, युवा दीदी है? आप संसार का कल्याण कर रहे हैं, संसार की भलाई कर रहे हैं, तो आपने सरा से इंटरेस्ट के लिए, थोड़ी ख्याति के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, प्रिंसिपल भी बर्बाद कर लिया, अरे ऐसा विचार है? सच्चे भक्त के तो सपने में भी ख्याल पैदा नहीं होता कि उससे कभी कुछ होता है, उसका हृदय तो प्रभु के चरणों में लगा रहता है, उसका मालिक ही करता है जो कुछ करता है। और इस जमाने में तो कर्ताओं की दौड़ लगी हुई, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े यति आए, और 300 भगवान तो अमेरिका में, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया गॉड्स, 300 भगवान ईश्वर तो अमेरिका में, हिंदुस्तान में तो बाढ़ आई हुई क्या नहीं, ऐसे योगी यतियों के लिए कि जिसे इन्हें कुछ रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो गई प्रभु कृपा, और वो अपने आप को सब कुछ समझ बैठे और संसार का भला कर रहे हैं,
और ना मालूम अपने आप को क्या क्या डिक्लेयर कर बैठे, उनके लिए कहा है कि ऐसे योग्य यतियों से कि जो खुद कर्ता बन गए, उन्होंने अपनी सारी कमाई नष्ट भ्रष्ट कर ली। ऐसे योगी यतियों से वो गृहस्थी कहीं ऊंचे हैं जो आधा घंटा सुबह प्रभु की याद करते, आधा घंटा शाम को प्रभु की याद करते, दिन भर उस परमात्मा से डरते रहते, उनकी तपस्या कहीं ऊंची। और कबीर साहब का अपना जीवन कैसा था उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखूं। जब कबीर साहब की ख्याति बहुत हो गई, लोग कहने लगे कि बड़ा ऊंचा महात्मा है, ग्रेट सेंट, संत। तो एक बार 200-250 बड़े इंटेलेक्चुअल्स अध्यात्म के, उन्होंने सबके सामने सलाह की कि भाई देखें वास्तव में कितनी गहराई है कबीर में, गहराई कितनी, लेट अस सी। और ऐसा विचार के 200-250 पंडितों की जो टोली थी वो कबीर साहब के घर की तरफ चली कि आज उनसे बातचीत करेंगे, सत्संग करेंगे और देखेंगे क्या गहराई है। सत्संग करने के हेतु पधारे। कबीर साहब का छोटा सा घर था, उसमें दो कमरे थे, एक कमरे में खुद रहते थे, एक में गाय बनती थी या भूस रहता था, बहुत मामूली सी रहन सहन थी। जब उन्होंने देखा कि ये 250 व्यक्ति चले आ रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि भाई आज तो बड़ी मुसीबत पड़ी और आ यही रहे, कि मैं तो इनका अतिथि सत्कार भी नहीं कर सकूंगा, मेरे पास तो 250 गिलास भी नहीं है, और इतनी जल्दी मैं अरेंजमेंट भी नहीं कर सकता, कहां से घबरा गए और अपनी धर्मपत्नी से बोले कि हे देवी तू भगत लेना, मेरे बस की बात नहीं है, और भूस की कोठरी में झाकू से और अंदर से किवाड़ बंद कर, और अपनी स्त्री से कह गए कि अब तू जाने तेरा काम जाना, तू देख। धीरे धीरे अब स्त्री दरवाजे पर जाए खड़ी हुई, देख रही है कि भीड़ तो उधर ही आ रही है, उन्हीं के दरवाजे की तरफ चली आ रही, आंसू लुढ़क रहे, डुल 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 के परमात्मा इज्जत रखने वाला है, पति भी साथ छोड़ गया और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ गया, आंसू लुढ़क रहे आंखों में, दरवाजे पर खड़ी है बेचारी। जब नजदीक आए तो क्या देखते हैं कि उस भीड़ के पीछे एक बैलगाड़ी आ रही, और जब वो भीड़ आई तो उसके पीछे पीछे बैलगाड़ी भी दरवाजे पर रुक गई। अब बैलगाड़ी में क्या देखती है कि जो गाड़ी हांकने वाला है उसके पीछे कबीर साहब स्वयं बैठे, और गाड़ी सब सामान से भरी पड़ी है, खाने पीने का, बर्तन, जो जिसकी आवश्यकता है सब चीजें उसमें मौजूद है गाड़ी। अब ये बड़ी चौकी कि मेरे घर का दरवाजा एक है, बराबर मैं यहाँ खड़ी हूं, कबीर साहब ने तो भूस की कोठरी अंदर से बंद कर दी, ये निकल किधर से भागा, और जाने के बाद कहां से इतना इंतजाम कर, कौन इसे ऐसा सेठ मिल गया जो फटाफट सारा इंतजाम कर दिया। बड़ी चकित है, कह कुछ नहीं सकती, है तो कबीर साहब। गाड़ी रुकी, सामान उतरा और कुछ जो आए थे उन्होंने मदद की, एक दो व्यक्ति गाड़ी पर सबने मदद कर करा करके, और खाने पीने का सामान भी तैयार हुआ, सत्संग भाई आए तो सबने मदद की, उधर खाने पीने का सामान तैयार हुआ, उधर सत्संग प्रारंभ हुआ। सत्संग होने लगा, बड़ा ऊंचा सत्संग, हर एक इंटेलेक्चुअल वेल सेटिस्फाइड, हृदय में कन्विंस्ड जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। इतना कन्विक्शन हर एक को हुआ, फिर भोजन मिला, आध्यात्मिक भोजन मिला और खाना भी अच्छा मिला, अच्छी प्रकार जब निवृत्त हो गए और जब चलने लगे तो सब मिलके कबीर साहब की बड़ी तारीफ करने लगे, क्या कहने भाई, जैसा सुना उससे कहीं ऊंचा पाया, बड़ा अरिदृषित पुरुष, क्या कहने। जब ये तारीफ कर रहे थे तो जो असली ही कबीर साहब थे वो तो भूस की कोठरी में बंद थे। जब उन्होंने ये तारीफ सुनी तो उनसे नहीं रहा गया कि बोले कि आ सारा बर्बाद हुआ, आज जिंदगी की सारी कमाई गई, फट से दरवाजा खोला, कूद पड़े, ये कूदे और वो गायब हो गया जो अब तक था, अब ये रो रहे हैं, सबके चरणों में गिर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, ना कुछ किया न कर सका,
ना कुछ किया ना कर सका, ना कुछ किया शरीर, शरीर शरीर में आपकी कोई सेवा नहीं कर सका, ना कुछ किया ना कर सका, ना कुछ किया शरीर, और जो कुछ किया सो हरी किया, कहत कबीर कबीर। आप मेरे पे क्यों लांछन लगा, जो किया परमात्मा ने किया, उस हरी ने किया, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं शरीर से ही कुछ नहीं। रो रहे हैं, बिलग रहे, और ये लोग बड़े प्रकार, कितनी ह्यूमिलिटी है। हा? तो ये है सच्चे भक्त, ऐसी निष्काम कर्मता जब आ जाती है, इसमें स्थिति हो जाती है, तो परमात्मा का सच्चा ब्लिस, सच्ची कृपाधार पृथ्वी पर उतरती है, जिनसे साधकों की आत्माएं सिच जाती है, प्रेम से भर जाती है, प्रभु के प्रेम में भर जाती है, फिर वे प्रभु के प्रेम में सराबोर हो जाती, वो कृपाधार प्रभु की उतरती है। ऐसा जब निष्काम कर्म में आरूढ़ता पैदा होती, ये है सच्ची निष्काम कर्म। मुझे एक और संत का किस्सा याद आ गया, वो भी मुसलमान संत थे, रहीम साहब। रहीम साहब की साखी आपने पढ़ी होगी, जब हम छोटी क्लास में थे हिंदी में, तो उनकी साखियां पढ़े, बड़ी प्यारी प्यारी साखियां। भगवान कृष्ण के बड़े अनन्य भक्त थे, और उनका ये उसूल था कि हर बृहस्पति के दिन दान करते थे, और दान की ये सिफ्ति के जो जो मांगता उसको वो ही देते, खाना मांगता खाना, कपड़ा मांगता कपड़ा, पैसा मांगता पैसा, और जितना देते उतना जमीन में और झुके चले जाते, बड़े जैसे बड़ा शर्म और लज्जा से सिर झुका चला जा रहा। एक कवि उनके इस दान करने के तरीकों को देख रहा है, उससे निराश है, वो रहीम साहब के पास आया, उसने कहा कि रहीमन सीखी कहा दैनी तुम ये देन, जो जो ध्यान तिहारो पड़े त्यों त्यों नीचे ने। कहा ये सीखा तरीका दान करने का, जितना अधिक देता है उतना ही और लज्जा के मारे पृथ्वी में घुसा चला जाए। दुनिया तो साइन बोर्ड लगाती है, बड़े बड़े अखबारों में निकालती है, बड़े बड़े पत्थर लगाती है, कोई पंखा भी देता तो उसमें भी लगा देता है कि इसकी स्मृति में दिया गया। तू एक देता है और झुका चला जा रहा है जमीन में, पृथ्वी में गा चला जा रहा है, कहां से सीखा ये तरीका तेरे दान कर रहे है। रहीम साहब ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, रो पड़े और रो कर कहने लगे कि देने वाला और है देता है दिन रैन, देने वाला और है देता है दिन रैन, और लोग ब्रह्मों पे करें ताते नीचे नर, लज्जा से शर्म से मरा चला जाए। देने वाला वो प्रभु है, दिन रात देता रहता है, लोग कहते रहीम देता है, कैसा झूठा लांछन मेरे ऊपर लगा रहे, शर्म से मैं दबा चले। ऐसी सच्ची निष्काम कर्म का जब होती, ऐसे भक्त जिनकी ऐसी आयुर्ता निष्काम कर्म हो जाती है, वो परमात्मा के सच्चे पै सच्ची कृपाधार को पृथ्वी को उतारते हैं, उस प्रभु के नाम को रोशन करते हैं। ये है सच्ची निष्काम कर्मता, जहां ऐसी निष्काम कर्मता प्राप्त हो जाती है, फिर संस्कार नहीं बनता। पुराने संस्कार कुछ तो ध्याना अग्नि में जल के समाप्त हो जाते हैं, कुछ भोग के कारण देता है, आगे की स्लेट क्लीन है, कुछ नहीं कर, संस्कार नहीं बने, मुक्त है, जीवन मुक्त होकर विचरता है, जीवन मुक्त है। ये है सच्ची ऊंची अवस्था, इसी जीवन में जीवन मुक्त, ये ऐसी निष्काम कर्मता। मुझे एक किस्सा और याद आया, निष्काम कर्म जो है बड़ी कठिन चीज है, आसान नहीं, वेरी डिफिकल्ट, और मैं एक कहानी आपके सामने रखूंगा, उस कहानी के बारे में ये मत सोचिएगा कि ऐसा कहते और ऐसा कहते हैं,
अगर इन बातों के चक्कर में पड़ जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। आप जो उसका सारांश है उस कहानी का, उसको पकड़िए और उससे फायदा उठाइए। एक राजा था, महाविद्वान था, उसने बहुत अध्ययन किया और वेदांत का बार अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचा कि गुण गुणों में बरत रहे, प्रकृति प्रकृति में बरत रही है, आत्मा तो स्वच्छंद है, आत्मा कुछ करता नहीं, सोल इज ओनली ए सीयर नॉट ए डूअर, करती कुछ नहीं है आत्मा, कुछ नहीं करती। उसने पढ़ लिया, लिख लिया और जब आचरण जो था वो उसका ऐसा था कि जब अच्छे काम करता और दूसरे तारीफ करते तो उसे बड़ी खुशी हासिल होती है, क्या बड़ी प्रेज हो रही है, इज्जत मिली। और अगर कोई खराब काम हो जाता, पाप कर्म, तो उसको छिपाने के लिए कहता गुण गुणों में बरत रहे, प्रकृति प्रकृति में बरत रही है, आत्मा तो स्वच्छंद है, मैंने तो कुछ किया नहीं, आत्मा ने कुछ नहीं किया, मैं इसका कोई पश्चाताप करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं कुछ करता ही नहीं। ये उसका रवैया था, चलता रहा और वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ आध्यात्मिक व्यक्ति भी मानता रहा कि भाई मैं बड़ा श्रेष्ठ आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, बड़ा ज्ञानी हूं, सच्चा ज्ञान मुझे है। एक बार क्या हुआ कि राजा शिकार खेलने गया, शिकार खेलने जाते हैं, शिकार खेलने गया, सुबह से शाम तक उसने बहुत दौड़ धूप की लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं लगा, एक खरगोश भी नहीं मरा, चीता शेर की बात तो अलग है। तो सोचने लगा कि अब मैं जब लौट के जाऊंगा तो मेरे मिनिस्टर्स भी मजाक बनाएंगे, मेरी रानियां भी मजाक बनाएंगी कि खाली लौट गया। मैं सोच में पड़ गया क्या करना चाहिए, ये सोच विचार रहा था, सायंकाल हो चुकी थी, सूरज छिप गए थे, थोड़ा थोड़ा उजाला सा था, छुटपुटा सा, एक नील गाय जंगली तालाब होते पूंछ जिनको कहते हैं जो पानी की, उसमें जल पीने आई, नील गाय जंगली गाय, और वो जब पानी पीने लगी तो उसकी आवाज हुई। इस राजा ने सोचा कि कोई शेर चीता ही होगा रात में ऐसे बियाबान जंगल में, कोई खूंखार जानवर पानी पी रहा है, अगर मैं गया तो मेरी पैर की आहट से भाग जाएगा, इसलिए शब्द वेदी बांध लगा। तो उसने शब्द वेदी बांध लगाया, शब्द वेदी बांध का लगना था गाय रंबा के गिर पड़ी और गाय के रंबाने की आवाज हुई तो इसके कलेजे पर चोट भी पहुंची, अरे तो गौ हत्या हुई, गाय मर गई। आया तो आके उसने देखा कि एक नील गाय तीर खाए पड़ी, इसने तीर निकाला, गाय ने प्राण छोड़ दिए। उसके बाद जो गौ हत्या थी उसने कहा कि भाई राजन तू पश्चाताप कर नहीं तो अपने पाप को भुगत, मैं तेरे सिर पर सवार। तो राजा बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आत्मा हूं, मैं कभी कुछ करता ही नहीं, प्रकृति प्रकृति में बरत रही है, गुण गुणों में बरत रहा है, मैंने ना पुण्य किया ना पाप किया, मेरा तो कोई वास्ता। अब गौ हत्या क्या करें, तो अच्छा वो भगवान जी के पास गई के विष्णु भगवान के पास गए कि प्रभु एक ऐसा राजा है तीर से मुझे मार लिया और कहता है कि गुण गुणों में बरत रहे, प्रकृति प्रकृति में बरत रही, आत्मा तो कुछ करता नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तुझे लेने के लिए तैयार नहीं, अब प्रभु बताओ मैं कहां जाऊं। भगवान ऐसा कोई बात, भगवान ने उसको ब्राह्मण का रूप दिया गौत्या और अपने आप भी ब्राह्मण का रूप धारण किया। अब ये दोनों बहुत सुंदर ब्राह्मणों का स्वरूप धारण करके और राजा के राज में पहुंचे। दरबार ने खबर दी कि बहुत बड़े विद्वान दो पंडित कहीं बाहर से आए और आपसे मिलना चाहते हैं।
उनका लाइए। जब अंदर घुसने लगे तो राजा भी चौंका, अरे ये तो बड़े दिव्य मूर्तियां हैं। तो फौरन राज सिंहासन छोड़ के आया उनका आगमन करने के लिए, आगमन किया, उन्हें एक स्पेशल महल में ठहराया बड़ी आवभगत की। और जितनी आवभगत करता रहा और उनकी उनके तेज से, उनकी विद्वता से और भी श्रद्धा उसमें बढ़ती रही। और दूसरे तीसरे दिन ही उसने प्रार्थना की कि प्रभु आप चलिए मेरी राजगद्दी को पवित्र करिए, उस पर आप राजी। नहीं ना राजन, वो तो तुम्हारी थी। नहीं नहीं महाराज, आप मेरे पर कृपा करिए, पवित्र कर दीजिए मेरे राज। ब्राह्मणों को राजा ले गया अपनी गद्दी पर, अपने आप नीचे बैठा गद्दी पर, उनको बैठा ला, सारा दरबार बुलाया, बहुत इज्जत। इतनी इज्जत दी तो ब्राह्मणों ने कहा कि राजन हमने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, बड़ी तारीफ सुनी है, कि बड़ा धार्मिक राजा है और प्रजा की बड़ी सुंदर सेवा करता है, हमने आपकी बड़ी ख्याति सुनी, हम आपका राज देखना चाहते, राज की विशेष चीजें कुछ हमें दिखलाइए। तो बहुत अच्छा महाराज, किसी मिनिस्टर को हमारे साथ भेजोगे? नहीं, मैं स्वयं आपके साथ। राजा स्वयं उन ब्राह्मणों को ले गया पहले भगवान कृष्ण के मंदिर में। भगवान कृष्ण का उसका इष्ट बहुत प्यारा मंदिर बनवाया था, लाखों रुपया लगा के मंदिर बनवाया, उस जमाने के लाखों की बहुत, आज के तो करोड़ों के बराबर लगा के, बड़ी लागत लगा के बहुत सुंदर मंदिर बनाया था। उसके साथ एक बहुत बड़ी स्टेट लगा दी थी, तीन पुजारी रखे थे, आठ आठ घंटे की ड्यूटी लगा दी थी, 24 घंटे मंदिर खुला रहे थे, तरह तरह का नैवेद्य चढ़ता, भगवान की पोशाक 52 तरह की पोशाक प्रभु को पहनाई जाती, बदल बदल के बड़ा भारी। इन ब्राह्मणों ने मंदिर देखा, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, क्या करने राजन, जैसा सुना वैसा पाया, खूब प्रभु का मंदिर बनवाया है, बहुत सुंदर। फिर उसके बाद में जो विष्णु भगवान थे, रूप लिए ब्राह्मण का, बोले कि वो सामने भी मंदिर मालूम होता है कि हाँ वो भी मंदिर है, भाई उसे भी देख, हाँ वो भी देखिए। वहां सामने गए तो इतना अच्छा नहीं था, था तो अच्छा, इंतजाम यहां भी अच्छा था। भगवान शिव के मस्तिष्क पर हाँ कलश लगे हुए थे, जिसमें गंगा जल और दूध की धारा बार महाराज के मस्तिष्क पर पड़ती रहती थी और भक्त लोग चरणामृत लेते रहते। यहाँ भी बड़ा सुंदर प्रबंध था, लेकिन कोई मुकाबला नहीं भगवान कृष्ण के मंदिर का, भगवान शिव के मंदिर का कोई मुकाबला नहीं था। तो ये ब्राह्मण बोले कि महाराज वो बात नहीं है, उसमें राजा चुप था, कहा कुछ। और राजा ने अपने राज की और मुख्य मुख्य चीजें दिखलाई है। तो फिर उन्होंने दिखाना शुरू किया कि भाई ये पाठशाला है, ये स्कूल बनाए। धीरे धीरे वो ये कहने लगा कि ये मैंने स्कूल बनवाया, इसमें इतनी क्लासेस है, ये मैंने धर्मशालाएं बनाई, ये मैंने बावड़िया बनाई, ये कुएं बनवाए। धीरे धीरे मैं आना शुरू। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमने सुना कि तुम्हारे यहाँ की नेशनल म्यूजियम बहुत बढ़िया है, हम उसे भी देखना चाहेंगे। कहा जरूर चलो, नेशनल म्यूजियम में ले गया और वहां तो एक एक चीज दिखाने लगा कि साहब ये इतनी पुरानी है, इतने कारीगर लगवा के मैंने इसे ठीक करवाया, मैंने इतना पैसा खर्च करके इसे मंगवाया, हर चीज में मैं लगता चला गया। जब मैं खूब हो चुका तब भगवान ने गौ हत्या को इशारा किया, तो वो शरीर छोड़ के गौ हत्या प्रकट हो गई। बोले राजन कृष्ण का मंदिर तैने बनवाया, शिव का मंदिर तैने बनवाया, बावड़िया तैने खुदवाई, स्कूल तैने बनवाए, धर्मशाला तैने बनवाई, तो ये गौ हत्या किसने की? जन्म तक Thank you.
अनमोल वचन। अखिल भारतीय संतमत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें न सुने। सत्य व मधुर बोलें। अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें। सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन हैं, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।